हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी के ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही हेल्दी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ढोकला बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम सूजी ले लिए। आप चाहे तो बारीक और जो आपके पास सूजी हो कोई भी वो भी ले सकते हैं। 250 ग्राम ही मैंने दही ले लिया है। इसे हम मिक्सर में डाल के इसे बीट कर लेंगे। इसमें जिंजर और चिली भी डाल देंगे। अब दही को हम सूजी में डालकर इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अभी ये बैटर काफी थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब ये बैटर रेडी हो गया है। इसे हम कवर करके 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। उतनी देर तक हम बर्तन में पानी डालकर स्टीमर रेडी करने के लिए रख देंगे। जिसमें भी ढोकला बनाना है हमें, हम उसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से ऑयल से। अब बैटर को रखे हुए 20 मिनट्स हो गए हैं। ये भी काफ़ी थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब इसमें इनो का एक पैकेट डाल देंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को हम ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। इसे हम एक दो बार टैप कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। अब स्टीमर भी रेडी हो गया है। अब हम ढोकले को इसमें रखकर 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। अब हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। अब हम इसके लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल में हम थोड़ी सी राई और वाइट तेल डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब तड़का रेडी हो गया है, इसे हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। अब ढोकला सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।